नमस्कार दोस्तों का फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023 के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करके ये पूछ रहे हैं कि एग्ज़ाम हो गया नहीं होगा, अभी तक फॉर्म आया नहीं, और सच में काफ़ी लेट हो चुका है। अक्टूबर नवंबर से ही फॉर्म भरना शुरू होता है, लेकिन इस बार पता नहीं क्या हुआ। देखिए पहली बात तो ये दो तीन हम बात करेंगे इसमें, और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में मैं आपको कुछ सुझाव देने वाला हूँ जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है आप लोगों के लिए, कि क्या एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए या छोड़ देनी चाहिए। इससे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जिनमें कुछ सुधार किए जाते हैं। हो सकता है इसमें भी कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा हो, कोई पैटर्न में बदलाव हो रहा हो, इसीलिए अभी तक इसको कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिला। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं एक दो कमेंट की जो कि हमारे पास आया हुआ था, कि क्या अब इस बार बिना एग्ज़ाम के ही सिलेक्शन होने वाला है। और कुछ और कमेंट इसलिए आया था क्योंकि उन्होंने कुछ वीडियोज़ देखा था जिसमें लिखा हुआ था कि बताया गया था कि इस बार एग्ज़ाम नहीं होगा, ऐसे ही सिलेक्शन होगा। तो ऐसा कोई बात नहीं है, ये चूँकि नवोदय का सिलेक्शन टेस्ट है, इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन होता है, इसलिए ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है। एक केंद्रीय विद्यालय का वो जो एग्ज़ाम नहीं है जिसमें लॉटरी सिस्टम होता है नीचे क्लास के बच्चों के लिए, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ये देरी का कारण जरूर है कि कुछ इसमें पैटर्न में परिवर्तन हो रहा होगा या कुछ इसमें बदलाव किया जा रहा होगा। बहुत सारे एग्ज़ाम हैं इसमें बदलाव किए जाते हैं हमेशा समय समय पे। अब देखिए पहले भी जब हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया हुआ था तो उस समय 100 क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब 80 क्वेश्चन हो गए। तो इस तरह से पैटर्न या किसी भी तरह का बदलाव हो रहा होगा, इसलिए अभी तो कोई भी सूचना नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम तो निश्चित तौर पर लिया जाएगा। ये भारत सरकार का ऐसे हटाने का कोई प्रयास नहीं है। बात ये रह गई कि एग्ज़ाम की तैयारी जारी रखें या छोड़ दें, तो उसके लिए तो मैं कहूँगा कि आप इसी को आप एक लक्ष्य मान करना चाहें कि हाँ केवल नवोदय को देना है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जिनकी आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा कि आप नवोदय तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको भी साइड में रखें और दूसरे एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, और जो बच्चे पूरी तरह से कोई कोर्स लेकर पढ़ चुके हैं तो उनके लिए आप थोड़ा और वेट करें। जहाँ आपने इतना वेट किया तो निश्चित तौर पे हो सकता है जनवरी में आए, क्योंकि पिछले 3-4 सालों से अप्रैल में एग्ज़ाम होता रहा है, तो इस बार भी अप्रैल में एग्ज़ाम होने की उम्मीद है। और ये भी उम्मीद है कि एग्ज़ाम का जो फॉर्म भरने का प्रोसेस है वो काफ़ी जल्द पूरा किया जाए। ठीक है, तो लगातार इस बारे में पता करने की कोशिश करते रहे, लेकिन अभी तक कोई भी जानकारी नहीं मिली। अभी तक समिति ने कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। तो यही बात है कि आप ये जो भी कुछ र्यूमर्स फैल रहे हैं उनसे आप दूर रहिए और अपने पढ़ाई पे फोकस कीजिए। केवल इसी एग्ज़ाम को आप लक्ष्य मान करना चले, यही सुझाव रहेगा अंत में। आप किसी दूसरे एग्ज़ाम की भी तैयारी शुरू कर दें, इसे सिमुलतला का भी कर सकते हैं, काफ़ी इससे बेहतर माना जाता है क्योंकि बिहार में एक ही है, तो आप अलॉन्ग साइड इसको ले सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं खुद जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ता हूँ और नवोदय से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलेंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।